Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So today we are discussing about Anglo-Norman Age. So Anglo-Norman Age, which basically started with Battle of Hastings in 1066. So the Normans the, who are also known as Norsemen, yani people from North, ye ek aise logon ka group tha jo ke Norwegian Vikings ke descendants se, aur ye aake North of France mein settle hue. और वहाँ से ये जो नॉर्मन्स थे यानी ये जो वाइकिंग्स का एक ट्राइब था जो नेटिव थे, फिर इन्होंने इंग्लैंड का रुख किया. जिस तरह एंग्लो सैक्सन्स आए थे, इसी तरह नॉर्मन्स भी इंग्लैंड में आए और आके यहाँ पे कंक्वेस्ट्स की. सो बेसिकली जो एंग्लो नॉर्मन्स थे, ये नॉर्मेंडी में इन सब की यूनियन से बने. नॉर्मेंडी वॉज अ प्लेस जहाँ पे ये रहते थे. 1066 में ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडे यानी विलियम द कॉन्करर, उसकी सरबराही में ये लोग इंग्लैंड आए और एंग्लो सैक्सन्स को इन्होंने शिकस्त दी. विलियम द कॉन्करर जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडे के नाम से जाना जाता है, सो ये बहुत एम्बिशियस किस्म का रूलर था और उसकी जो कंक्वेस्ट थी ये इंग्लैंड के लिए बड़ी अच्छी भी साबित हुई और कुछ बुरा भी था इसमें. सो ये इसने आके एंग्लो सैक्सन्स की नबिलिटी को रीशेप किया, एंग्लो सैक्सन्स को हराया, उनके इलाकों पे कब्जा किया, जो इंटर मैरिजेस भी हुई इनकी आपस में और इस तरह एक नई इंग्लिश डेवलप हुई, ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन इंग्लिश को मिला के, जिसको हम मिडल इंग्लिश कहते हैं. हारल्ड गोडविंसन जो था, गोडविंसन, इसको हराया इसने इस बैटल में. सो इस बैटल में उसकी फतह के बाद एक नया रूल शुरू हुआ और जो कॉन्करर था विलियम द कॉन्करर यानी ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडे, उसने आके इन इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया, इस्तलाहात की. हारल्ड जो है वो वहाँ से भाग गया और ये जो बैटल ऑफ हेस्टिंग थी ये बेसिकली एक विन की इसने लाइक विलियम द कॉन्करर ने, जिसकी वजह से वी नो हिम टू बी विलियम द फर्स्ट. विलियम द फर्स्ट भी कहा जाता है और विलियम द कॉन्करर भी कहा जाता है. सो हारल्ड वॉज फाइनली किल्ड और नॉर्मन्स जो हैं दे रोज टू द पावर. और उसके बाद कुछ स्मॉलर बैटल्स हुई इनकी जो रेजिस्टेंस थी उनको रोकने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकें, वो रेजिस्टेंस सारी कुचल दी गई. सो जो विलियम था उसे क्राउन किया गया एज अ किंग और जो ये इसका रूल था ये एक डिफरेंट किस्म की एक स्ट्रैटेजीज लेके आया इंग्लैंड के अंदर जो कि पहले मौजूद नहीं थी. उनको हम बाद में देखेंगे वो क्या चीज़ें थी. अब ये जो एंग्लो नॉर्मन्स थे दे वर आल्सो वेरी फियर्स वॉरियर्स लाइक एंग्लो सैक्सन्स. सो इनके आने के बाद जो यूरोप का जो एक लैंग्वेज कोर्स था इंग्लैंड में वो चेंज हो गया. फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज बन गई सोशल प्रेस्टीज और स्टेटस की, और इसमें जो इंग्लिश थी उसे निकाल दिया गया. 10,000 वर्ड्स जो थे फ्रेंच वर्ड्स वो इंग्लिश में शामिल हुए, जैसे हम बॉर्विंग का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो आज तक उसमें शामिल हैं और मुख्तलिफ पार्ट में आर्ट लिटरेचर लाइफ का हिस्सा बन गए वो. इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो ग्रेजुअली डिसअपेयर होना शुरू हो गई एज अ रिटन लैंग्वेज. और उसमें ये हुआ कि इसको लैंग्वेज एक डेंजर साबित हुआ, उसके लिए खतरा हो गया उसकी डेथ के हवाले से. सो जो कॉमन पीपल थे दे केप्ट ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश, लेकिन ये था कि जो एरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने फ्रेंच बोली. जो रिलीजन था उसके लिए लैटिन लैंग्वेज यूज़ हुई या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए लैटिन लैंग्वेज यूज़ हुई. इस तरह तीन जुबानें साइड बाई साइड इस टाइम में चल रही थी. अब जो नॉर्मन कंक्वरर्स थे जब वो आए तो लैटिन को बहुत ज़्यादा इसमें तरजीह दी गई. उन्हें बेसिकली इंग्लिश भी सीखनी पड़ी ताकि वो उन जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको लैटिन में ट्रांसलेट करें, और इंग्लिश लॉ को भी लैटिन में ट्रांसलेट किया गया. सो इस तरह एक ट्रांसलेशंस का भी सिलसिला स्टार्ट हुआ जो कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए और लॉ मेकिंग के लिए. सो इंग्लिश मटीरियल को लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, ये भी विलियम ने कराया. इस दौर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हुए जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो वॉर थी, 100 ईयर्स वॉर. सो ये एक सीरीज थी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की बिटवीन जो इंग्लैंड एंड फ्रांस. और इसमें वी फाइंड कि जो बेसिकली ओरिजिन इसका क्यों हुआ, जो 100 ईयर्स वॉर थी एक डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ फ्रेंच थ्रोन की सक्सेशन का. इंग्लिश हाउस ऑफ प्लांट एग्नेस्ट और फ्रेंच रॉयल हाउस ऑफ वालोइस, सो इनके दरमियान ये एक
जंग शुरू हुई जो कि मुख्तलिफ बैटल्स की सूरत में लगातार ये यानी ये नहीं कहेंगे 100 ईयर्स लगातार ये लड़ते रहे, लेकिन ये फॉर 100 ईयर्स वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ। इसमें सोशल ऑर्डर भी तबाह हुआ, इसमें ज़मीनें भी ख़त्म हुई, इसमें खेत खलियान भी ख़त्म हुए, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमारे सामने एक पेजेंट्स रिवॉल्ट की सूरत में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। सो ये जो वॉर थी ये एक लंबा अरसा जारी रही और इसके नतीजे में दोनों मुल्कों ने इकॉनमी का बड़ा लॉस उनको उठाना पड़ा क्योंकि बहुत सारा कुछ उनका शैटर हुआ था। इसी वॉर के अंदर जोना फॉक जो कि एक पैट्रन सेंट थी फ्रांस की, इसको फ्रेंच नेशन के डिफेंडर के तौर पर नवाजा गया, इसको इस चीज़ का खिताब दिया गया। ये बेसिकली एक लंबा अरसा इन द शेप ऑफ अ मेल शी केप्ट फाइटिंग, लोग ही समझते रहे कि ये मेल है जो इनका सुपर सलार है, बट शी वॉज इनफैक्ट अ लेडी जिसने एक इस तरह आगे बढ़ के इस तमाम सिस्टम को बनाया, उन सारे लोगों को ये लेके चली। इसमें जो सेंट जोन ऑफ आर्क थी इसको नेशनल हीरोइन भी कहा गया फ्रांस की। सो शी वॉज अ पेजेंट गर्ल जो कि बेसिकली इस चीज पे बिलीव करती थी कि डिवाइन गाइडेंस के तौर पे उसे रूल करना है, यानी एक आर्मी को और उसे लेके चलना है फ्रांस की विक्ट्री को। सो शी मेड हर वे टू दिस एंड शी वॉज सक्सेसफुल, लेकिन बाद में ये पकड़ी गई, इसको मार दिया गया, लेकिन इसने काफी फतूहात लेके दी फ्रांस को ओवर इंग्लैंड। एक और जो बड़ी बर्बरियत उस जमाने में थी वो डेथ लेके आई जो कि ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर है। ये जो रेड एरियाज आप देख रहे हैं ये वो तमाम तरह एरियाज थे और ऑरेंज एरियाज यूरोप के जो कि ब्लैक डेथ से मुतासर हुई। ये बॉयल्स से जो इंसान के जिस्म पे बनते थे और बाद में ये फट जाते थे, ये कंटेजियस डिजीज थी जिससे बहुत सारे लोग मुतासर हुए। इवन लंडन के आसपास मिलियंस ऑफ पीपल जो थे वो इस चीज का शिकार हुए। डेड बॉडीज को बैरी करने की जगह नहीं मिलती थी, एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया जाता था। जो डी कैमरियन है बकेशियो की, उसमें भी लोग ब्लैक डेथ से बच के एक गार में बैठते हैं, जिससे चौसर ने आइडिया लिया कैंटरबरी टेल्स का। सो ये जो डेथ थी ये बड़ी हॉरिबल डेथ थी। नेक्स्ट हमारे पास चर्च आता है जिसमें पोप्स, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, प्रीस्ट, डेकन्स एंड देन लेटी द पीपल। सो ये चर्च जो था उस जमाने में करप्शन का शिकार हो चुका था, चर्च के अंदर बहुत करप्शन आ चुकी थी और जो चर्च के जो पादरी थे वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा लाइक करप्ट हो चुके थे क्योंकि वे किंग के बाद इनको बड़ी अहमियत दी जाती थी और रोमन कैथोलिक्स का दौर था। सो उसमें हर बंदा बुरा नहीं था, कुछ लोग अच्छे भी थे। सो उसी में थॉमस बेकेट एक बहुत अच्छा सेंट था जो कि आर्च बिशप था कैंटबरी का, उसे लोग बड़ा प्यार करते थे क्योंकि ब्लैक डेथ में उसकी दुआओं से बहुत सारे लोग, उनका अकीदा था कि वो ठीक हुए, उनको उस डेथ से बचाया गया। सो ये जो सेंट बेकेट था ही वॉज वेरी फेमस सेंट, वेरी नोबल सेंट, उन करप्ट लोगों में ये एक ऐसा बंदा था जो कि करप्ट नहीं था। बाकी लोग किंग के कहने पे कुछ भी करते थे, कुछ भी लॉज और डिवाइन रूल्स बताते थे, बट ही वॉज अगेंस्ट दिस। तो किंग जो था उसे गुस्सा आया, हेनरी टू जो था किंग ऑफ इंग्लैंड, बेसिकली इशू था राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द चर्च और उसने फिर अपने नाइट्स को भेजा और उसने कैंटरबरी कैथेड्रल में ही इस सेंट थॉमस बेकेट को शहीद कर दिया, इनको कत्ल कर दिया। उस जमाने में हम देखते हैं किंग जो था उसके नीचे टीनेंट इन चीफ थे, सब टीनेंट से इनकी मुख्तलिफ ड्रेसिंग होती थी, रॉयल नाइट्स थे, स्पोक्समैन थे, नाइट्स थे, बॉर्डर्स थे, स्लेव्स थे, ये सारे लोग वो थे जो नाइट्स के नीचे थे। यहीं पे पेजेंट्स रिवोल्ट स्टार्ट होती है जो कि वॉल्ट टेलर की एक रेबिलियन थी जिसे ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में 1381 के अंदर स्टार्ट हुई। जो वॉल्ट टेलर था वो एक 1381 में इस रिवोल्ट का लीडर था और इसने बेसिकली इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि रिफॉर्म्स किए जाएं और इनको बचाया जाए। खैर इन रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया। रॉयल फैमिली अच्छे ड्रेसेस पहनती थी, सोल्जर्स जो थे वॉर के ड्रेसेस पहनते थे, जो वेमेन थी वो प्रेशियस आउटफिट्स पहनती थी उस जमाने में, जो गरीब लोग थे वो डाउन टू अर्थ और हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहे थे और उनके बड़े सिंपल ड्रेसेस थे। जो फोर्ट्रेसेस और कैसल्स थे वो बड़े वेल गार्डेड होते थे और नॉर्मली उन्हें माउंटेंस या हिल्स के ऊपर बनाया जाता था ताकि इनको अच्छी पेनिट्रेट ना किया जा सके। सी पोर्ट्स की बड़ी अहमियत थी क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड कॉमर्स जो थी यहाँ से होती थी। जेफरी चौसर वॉज इंग्लिश पोइट जो कि इस ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट पोइट था।
और वो अपनी सर्विसेज की वजह से बड़ा मशहूर हुआ। द कैंटरबरी टेल्स उसका हॉलमार्क है, उसका मैग्नम ओपस है जो कि उसकी शोरा आफाक किताब है। जेफरी चौसर ने ये जो बुक लिखी उसकी वजह से ही इज इमॉर्टल एंड ही इज सेट टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर पोइट्री। ही इज ऑल्सो सेट टू बी ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल अपने फॉर द सेक ऑफ हिज ट्रायल्स एंड क्राइसिडा जो उसने लिखा। सो चौसर जो है वो माना जाता है कि ही वॉज अ गुड डिप्लोमैट और उसने 3 सक्सेसिव किंग्स के अंडर सर्व भी किया जिसमें एडवर्ड 3, रिचर्ड 2 और हेनरी 4 थे। और इसमें इसकी पोइट्री की वजह से हम इसको याद करते हैं, इसकी डिप्लोमेसी की वजह से नहीं। सो इसकी जो सर्विसेज थी फॉर द किंगशिप वो बड़ी नोबल थी, याद की गई, जेल में भी गया। सो ही सफर्ड अ लॉट बट ही ऑल्सो गेंड अ लॉट। जो कैंटरबरी टेल्स इसने लिखा ये एक सीरीज थी 24 स्टोरीज की जो कि 17,000 जो लाइन्स हैं इससे ज़्यादा के ऊपर एक मुहित एक किताब है जो कि चौसर ने 1387 टू 1400 यानी अपने डेथ ईयर्स के दरमियान में इसने लिखा और ये इसकी बड़ी मशहूर किताब है। कैंटरबरी टेल्स जो है दैट इज अ स्टोरी ऑफ अ ट्रेवल जिसमें ही टॉक्स अबाउट अ नाइट। नाइट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नाइट को वो क्यों लेके आता है? सबसे पहले क्योंकि नाइट और नाइटहुड की वजह से इंग्लैंड जो था उसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ था। सो उसी वजह से ये उसको लेके आगे चल रहा है। एक डॉक्टर का कैरेक्टर है उसमें, फिर उसमें हमारे पास एक पार्सन का कैरेक्टर है जो कि एक प्रीस्ट है जो बड़ा नोबल है, एक लॉ मैन है जो कि एक वकील है और बड़ा मशहूर है, वाइफ ऑफ बैथ अपनी लशीवियस नेचर और अपने सेक्सुअल इरादों की वजह से बड़ी मशहूर है, एक शिप मैन का बताया गया जो कि बड़ा एक नोटोरियस किस्म का बंदा था। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में ये उस पूरी सेंचुरी की अकासी करते हैं। उसके साथ ही पियर्स प्लोमैन जो कि लैंगलैंड का एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, इसको पीपीएससी के एग्जाम्स में बड़ा पूछा जाता है, बड़ी क्वेश्चनिंग होती है। सो ये बेसिकली एक मिडल इंग्लिश एलेगोरिकल नरेटिव पोम है जो कि विलियम लैंगलैंड ने लिखी। ये एक अनराइम्ड है, एलिट्रेटिव वर्ड्स है और इससे कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया गया जिसे पासेस कहा जाता है। सो ये विलियम लैंगलैंड का हॉलमार्क है जो कि 14th सेंचुरी में बड़ा मशहूर हुआ यानी इस टाइम के अंदर। इसके अलावा हमारे पास हिस्टोरिया रेगम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक थी, ब्रूट थी, सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, द आउल एंड द नाइटिंगेल, द पर्ल। सो ये वो सारे वर्क्स थे जो कि उस जमाने में लिखे गए और ये जो वर्क्स हैं ये बेसिकली डिपिक्ट करते हैं 14th सेंचुरी को और यू कैन से द मिडल इंग्लिश को या फिर हम ये भी कह सकते हैं मेडिवल इंग्लैंड को। सो जो मेडिवल इंग्लैंड था वो इन वर्क्स के अंदर बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा सामने आया हमारे। इसके अलावा हमारे पास मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज हैं जो इस टाइम के अंदर स्टार्ट हुए और उनमें बेसिकली दिखाया जाता था पर्सोनिफाइड एलिमेंट्स को जिस तरह गॉड, सैटर्न, फायर, हेल, हेवन। सो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। इसी के साथ साथ जो रोमांसेस थे वो यहाँ पे दिखाए गए, रोमांसेस की बड़ी अहमियत थी जिसमें नाइटहुड के किस्से होते थे, नाइट्स का दिखाया जाता था जैसा सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट है उसमें हमें, या किंग आर्थर और उसके जो नाइट्स थे। सो ये सारा एक एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन जो ट्रेडिशन थी नाइटहुड की उसको सामने लेके आते हैं जो कि हमें उस जमाने की याद दिलाते हैं। ये वर्क्स ना होते तो हम एंग्लो नॉर्मन लाइफ को ना पढ़ सकते, जैसा बियोवुल्फ इज ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन एज, इस तरह ये सारे जो सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट और ये सारे इसके साथ जो रिलेटेड वर्क्स हैं द आउल एंड द नाइटिंगेल, सो ये सारे हमें 14th सेंचुरी या मिड जो मेडिवल इंग्लैंड है उसके बारे में बताते हैं कि वो किस तरह का एक टाइम था जिसके अंदर ये सारी वाकयात चले। सो नॉर्मन जो है लाइफ वो बेसिकली इन वाकयात के जरिए, इन वर्क्स के जरिए रिप्रेजेंट होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है इसमें वो हमारे पास प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है। उसके बाद सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट का नाम आता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके अंदर अगेन हमें दिखाया गया कि एक नाइट की बेसिकली स्टोरी। सो इसमें भी वो रोमांसेस हैं जो कि हमें उस टाइम की याद दिलाते हैं कि किस तरह नाइटहुड बड़ा फेमस था और इंग्लैंड जिसको क्वीन ऑफ सीज कहा जाता है वो इन्हीं नाइटहुड की वजह से मशहूर था। सो सिमिलरली और भी इसमें बुक्स थी जैसा आउल एंड द नाइटिंगेल, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स थे
द पर्ल वॉज इट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. सो ये सारे एक रियलिस्टिक पिक्चर्स लेके आते थे उस जमाने की. द पर्ल वॉज ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक और उस रियलिटी को शो कराता था जो उस जमाने में मौजूद थी, उस जमाने के लोगों के थ्रू जो हमें नज़र आता था, जो कॉन्सेप्शंस हम देखते हैं एंग्लो नॉर्मन एज के, वो इन वर्क्स के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं. किस तरह के ड्रेसेस से, क्या उनके बिहेवियर से, ये सब के सब ये वर्क्स हमारे सामने लाते हैं. अब उस जमाने का जो एंग्लो नॉर्मन टाइम था उसमें ये जो मैप है ये आपके सामने है, हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह ये एक तकसीम हुई हुई थी चीज़ों की. जो अर्ल डोम्स थी, फिर जो फ्यूडल सिस्टम था जिसमें विलियम उसके नीचे टेनेंट इन चीफ था, जिसमें लॉर्ड्स बिशप्स और एबट्स थे, फिर उसके नीचे अंडर टेनेंट्स थे जिसमें नाइट्स थे, फिर पेजेंट्स थे. ये एक हायरार्की थी उस जमाने में. किंग इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन था. जो टेनेंट्स इन चीफ थे वो उसमें किंग को रिपोर्ट करते थे. वो बैरन्स की तरह बड़े इंपॉर्टेंट पीपल थे. उसमें चर्च लीडर्स भी थे. यही वजह था कि चर्च करप्शन का शिकार हो गया था. मिलिट्री, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लेवल पे ये सारे मौजूद थे. नाइट जो हैं, सॉरी, इसमें जो चर्च है उसके चूंकि 7 कैरेक्टर्स हम प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में देखते हैं, तो ये इसी हवाले से ये हायरार्की दिखाई गई कि ये जो सारे चर्च लीडर्स है ये इसीलिए वहाँ पे इसी करप्शन के अंदर मौजूद है क्योंकि किंग ने इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी हुई थी. फिर लेनफ्रिक की जो उससे मौजूद था वो इंग्लिश सीखना चाहता था. उसके जो सर्विसेज थी वो बहुत ज़्यादा थी. वो चर्च को रिफॉर्म करना चाहता था और उसने काफ़ी हद तक चर्च को रिफॉर्म किया भी, लेकिन ये था कि चर्च उस हद तक करप्शन में जा चुका था कि रिफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी. बहुत सारी चेंजेस लेके आया किंगशिप के अंदर, नोबिलिटी के अंदर, वॉरहुड के अंदर, पेजेंट्स और स्लेव के अंदर जो कि उससे पहले मौजूद नहीं थी. इकॉनमी के अंदर चेंज आई जो कि विलियम की वजह से आई. गवर्नमेंट के अंदर चेंज आया कि जो किंग था, किंग उसने ट्रूप्स रखे थे जो उससे लॉयल थे और उसके थ्रू फिर उसने चर्च और लैंड और इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चेंज लेके आया. एक शेरिफ सिस्टम स्टार्ट हुआ और वहाँ पे जो शेरिफ्स थे उनके हवाले से दे हैड द पावर, दे हैड द लॉ, दे हैड द ड्यूटी ऑफ डिफेंस, तो वो इन तमाम चीज़ों को देखते थे. सो शेरिफ्स इस तरह, जैसे आजकल हम अमेरिकन मूवीज़ में शेरिफ देखते हैं जो कि एक इलाके को कंट्रोल करता है. फॉरेस्ट बड़ा सिग्निफिकेंट था क्योंकि उसमें हंटिंग होती थी. वुड की रिस्ट्रिक्शन थी कि आपसे कट नहीं करेंगे. उसमें उन एनिमल्स को मारना अलाउ नहीं था. एनिमल्स को बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता उस ज़माने में. सो फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट्री को बड़ी अहमियत दी गई. डूम्सडे बुक उसने एक मुरतब की जो कि पूरे इंग्लैंड के फाइनेंशियल, लीगल और मिलिट्री सिस्टम की एक रिकॉर्ड कीपिंग थी. फिलिप लार्किन अपनी 1914 जो पोएम है उसके अंदर इसी का जिक्र करता है, डूम्सडे बुक का. सो ये एक बहुत बड़ा एक सर्विस थी इसकी, विलियम ऑफ और विलियम द कंकरर की, विलियम वन की. लैंग्वेज जो थी हमने जिससे देखा कि फ्रेंच जो थी एरिस्टोक्रेसी की लैंग्वेज थी. लैटिन में चर्च डॉक्यूमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स चलते थे. मिडिल क्लास जो थी वो इंग्लिश बोलती थी. विलियम की जो डेथ थी वो उसकी एक बैड ओमन साबित हुई. लोग उसकी डेथ पे जो उसके फौजी थे वो सारा वहाँ से मटेरियल लेके भाग गए. इसकी लाश जो थी वो पड़ी रही, फिर वो उसके अंदर से जो मादा निकला और वो मादा बड़ा ख़राब हुआ और उस मादे के ख़राब होने की वजह से ये हुआ कि उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल हुई उस एरिया में और लोग जो थे वो वहाँ से उस चीज़ को बड़ा एक बुरा ओमन समझा, बुरा शगुन समझा. बाद में उसने, यानी मरने से पहले उसने ये छोड़ दिया कि मैं इसको हवाले करता हूँ खुदा के, कि वो मेरी सल्तनत में, यानी किसको नया किंग लेके आता है, दोनों इलाकों का, नॉर्मेंडे का भी और इंग्लैंड का भी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंग्लो नॉर्मन एज इन फ्रंट ऑफ यू. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे सबसे शेयर कीजिएगा.